हाई फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू डूइंग ग्रेट। सो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी बिगनर मेकअप किट। सो क्या क्या प्रोडक्ट होना चाहिए एक बिगनर मेकअप किट में, जो कि अफोर्डेबल भी हो एंड इवन अच्छा भी। सो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ऑल्सो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर आप बिगिनर है एंड बहुत ज़्यादा मेकअप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, एक अफोर्डेबल रेंज के अंदर ही मेकअप परचेज करना चाहते हैं, सो आज मैं सारे ही मेकअप प्रोडक्ट आपसे शेयर करूंगी एंड पर्सनली मैं भी उसे यूज़ करती हूँ। सो फर्स्ट आते हैं मॉइस्चराइजर पे। मॉइस्चराइजर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेकअप करने से पहले। बिना मॉइस्चराइजर के आप मेकअप बिल्कुल भी मत करिएगा। सो मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है और दोनों ही डर्माको के हैं। पहला है 1% सैलिसिलिक एसिड ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर एंड जो सेकेंड वन है वो है स्क्वालिन जिंक ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। देन प्राइमर। सो अगर आप डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत मेकअप करते हैं तो डेफिनेटली आप प्राइमर को स्किप कर सकते हैं। उसके जगह पे आप यूज कर सकते हैं एलोवेरा जेल, जो कि नेचुरल प्राइमर का वर्क करता है। सो यहाँ पे मैं दो एलोवेरा जेल आपको रिकमेंड करूंगी। फर्स्ट है ये वाव का एलोवेरा जेल, जो कि 99% प्योर एलोवेरा जेल है एंड जो सेकेंड वन है वो ही ये प्लम का एलोवेरा जेल, जो कि पर्सनली मेरा फेवरेट एलोवेरा जेल है। एंड ओकेजनली आप प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगी आपको इनसाइड का ये प्राइमर। सो इसकी प्राइस है 250 रुपीज़ एंड आपको 30 ml की इसकी क्वांटिटी मिल जाती है एंड ये काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। आपको लगेगा ही नहीं ये इतना सस्ता प्रोडक्ट है, बट ये काफ़ी अच्छे से आपके पोर्स को ब्लर कर देता है। सो नेक्स्ट है ब्रशेस। सो एक अच्छे ब्रशेस का सेट होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेकअप को फ्लॉलेस बनाने के लिए। सो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगी स्विस ब्यूटी के ये ब्रशेस। सो इसमें आपको 6 ब्रशेस मिल जाएंगे, जिसमें आपको पाउडर ब्रश मिल जाएगा, एक आपको फाउंडेशन ब्रश मिल जाएगा एंड आई शेडो ब्रशेज मिल जाएंगे आपको, जिसमें से ब्लेंडिंग ब्रश भी है। सो एक मेकअप को करने के लिए जो भी ब्रशेज आपको नीड है, सारे ही ब्रशेज इस सेट में है। आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। इसका प्राइस है 1000 रुपीज़, बट ये आपको ऑफर में करीबन 700 का मिल जाएगा। एंड आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर सकते हैं कलर बार का। ये काफ़ी अच्छे ब्यूटी ब्लेंडर्स है, 190 तक आपको मिल जाएगा। एंड फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर तो मस्ट है। सो ब्रशेज एंड ब्यूटी ब्लेंडर आपको रोज नहीं खरीदना, इसीलिए आप थोड़ा सा अच्छे ब्रशेज एंड ब्यूटी ब्लेंडर ले, जो कि अच्छे से चले एंड आपके मेकअप को ये फ्लॉलेस लुक भी दे। अब बारी आती है बेस की। सो अगर आप हैवी बेस चाहते हैं तो आप फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आप लाइट बेस चाहते हैं तो आप सीसी क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। मैं जो फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ वो है ये फिट मी का फाउंडेशन एंड इसका प्राइस है आई थिंक 500। आपको ऑफर में थोड़ा बहुत सस्ता मिल जाएगा ये। एंड इसका छोटा वाला भी आता है, आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। बट अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसे मत यूज़ करें, क्योंकि ये ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप लैक्मे का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड सीसी क्रीम मैं जो अप्लाई करती हूँ वो है ये लैक्मे का 9 to 5 सीसी क्रीम एंड इसका प्राइस है 99 रुपीज़ ओनली। देन कलर करेक्टर और कंसीलर। सो यहाँ पे मेरे पास बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। सो ये है इनसाइट का कलर करेक्टर पैलेट। इसमें आपको कॉन्टोर मिल जाता है, कलर करेक्टर मिल जाता है, ऑल्सो आपको कंसीलर भी मिल जाता है एंड इसका प्राइस है 199 रुपीज़ एंड इतनी से प्राइस में आपको इतना सारा चीज़ मिल जा रहा है। देन कॉम्पैक्ट। सो कॉम्पैक्ट में आप लैक्मे या फिर मेबलिन के कॉम्पैक्ट्स यूज कर सकते हैं। अफोर्डेबल रेंज के अंदर ये बहुत ही अच्छे कॉम्पैक्ट्स हैं। सो कॉम्पैक्ट की बात कर रहे हैं तो ये भी मैं आपको सजेस्ट कर देती हूँ कि आप अपने अंडर आई एरिया को सेट करने के लिए बेबी पाउडर भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट काजल। सो अगर आप डेली बेसिस पे काजल वेयर करते हैं तो आपको एक हर्बल काजल यूज करना चाहिए। तो अफोर्डेबल रेंज के अंदर मामा अर्थ का काजल बेस्ट है। इसका कॉस्ट है 300 रुपीज़ एंड अगर आप ओकेजनली वेयर करते हैं तो आप शुगर का काजल यूज कर सकते हैं। इसका भी प्राइस है 300 रुपीज़। आईब्रोज के लिए आप यूज कर सकते हैं लैक्मे का ऐसा आईब्रो पेंसिल आता है। इसका कॉस्ट है 75 रुपीज़ एंड इसमें आपको ब्राउन एंड ब्लैक दोनों शेड ही मिल जाते हैं। बट अगर आपको इसमें भी इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप आई शेडो पैलेट में से जो ब्राउन शेड होता है उसे अपने आईब्रोज को फिल कर सकते हैं। सो इसी के साथ बात कर लेते हैं आई शेडोज की। सो आई शेडोज में हमें काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। हमें चाहिए होता है कि इसमें सारे कलर्स भी हो एंड इसका प्राइस भी कम हो। सो आज मैं आपसे शेयर करूंगी जिसमें सारे कलर्स भी अवेलेबल होंगे एंड उसका प्राइस भी काफ़ी कम है। सो फर्स्ट है ये ब्यूटी ग्लेज्ड का पैलेट। इसमें आपको काफी सारे कलर्स मिल जाएंगे एंड नेक्स्ट है SFR का ये कलर पैलेट। इसमें आपको
64 आई थिंक कलर्स मिल जाते हैं, बट आप ट्रबल में तो इतने बड़े बड़े पैलेट नहीं ले जा सकते ना। सो इसी के साथ मैं शेयर करूंगी दो और पैलेट, दोनों ही SFR के पैलेट है। फर्स्ट है ये SFR स्मोक शो पैलेट, इसमें आपको सारे ही स्मोकी शेड्स मिल जाएंगे। एंड नेक्स्ट है ये कैरेमल ब्राउन पैलेट, ये हुदा ब्यूटी का ड्यूप है एंड ये बहुत ही अच्छा पैलेट है, काफ़ी अच्छा पैलेट है ये। इसमें आपको सारी शिमरी शेड्स एंड एक दो मैट शेड मिल जाएंगे। सो ब्लश मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मेकअप का, सो यहाँ पे मेरे पास दो ब्लशेस है। सो फर्स्ट है ये स्विस ब्यूटी का ब्लश, इसका प्राइस है 280 रुपीज़। एंड नेक्स्ट है ये शुगर का मिनी ब्लश, सो इसका भी प्राइस है 300 रुपीज़। एंड हाइलाइटर की बात करें तो आपको इसे यूज़ करने के बाद हाइलाइटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप अच्छा हाइलाइटर चाहते तो आप स्विस ब्यूटी के हाइलाइटर ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट आईलाइनर, सो आईलाइनर की बात करें तो मेरा पर्सनल फेवरेट आईलाइनर है जो ब्लैक हो, मैट हो एंड उसमें शाइन बिल्कुल भी ना हो। सो मैं जो आईलाइनर यूज़ करती हूँ वो है ये कलर बार्स के आईलाइनर। सो ये बहुत ही मैट आईलाइनर है, इसमें बिल्कुल भी शाइन नहीं होता है। सो फर्स्ट जो बॉटल था वो था मेरा 240 रुपीज़ का एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा आईलाइनर था, ये ख़त्म हो चुका है। एंड देन मैंने परचेस किया कलर बार का ये आईलाइनर, ये है Infinite 24 आवर आईलाइनर एंड ये है 560 रुपीज़ का। मैं अगर बात करूँ दोनों की कंपैरिजन की तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट एंड ये अच्छा है, बट मुझे कोई फ़र्क लगता नहीं है ज़्यादा। बस इसके जो टिप्स है वो बहुत शार्प है, बहुत फाइन टिप है एंड इसका उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम है, बट दिस इज़ द बेस्ट आईलाइनर अगर आप बिगिनर हो तो। मस्कारे के लिए आप मेबलिन का मस्कारा यूज़ करें, इसके सारे ही मस्कारे बहुत ही अच्छे हैं एंड अफोर्डेबल भी है। मैं जो मस्कारा यूज़ करती हूँ वो है ओरिफ्लेम का, जो इजीली अवेलेबल नहीं होता है मार्केट में। तो मेरे पास दो मस्कारा है, एक है वाटरप्रूफ। आप प्लीज़ वाटरप्रूफ बिल्कुल भी मत खरीदिएगा क्योंकि इसे रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा टफ काम है एंड आपके लैशेस को भी ये हार्म करता है। एंड ये है वॉशेबल, ये काफ़ी अच्छे से अप्लाई हो जाता है एंड वॉश करने में भी इजी है। सो ये ज़्यादा इजीली अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी आपको मेबलिन का मस्कारा। इसके सारे ही मस्कारे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं एंड अफोर्डेबल भी है। सो लिपस्टिक के बिना मेकअप कहाँ कंप्लीट होता है। सो फर्स्ट जो लिपस्टिक है मेरे पास वो है ये एलिटीन का लिपस्टिक एंड आई थिंक इससे भी अफोर्डेबल कुछ हो सकता है। सो इसका कॉस्ट है 90 रुपीज़ ओनली एंड ये बहुत ही अच्छा लिपस्टिक है। सेकेंड जो है नायका का सो क्रीमी मैट लिपस्टिक, इसका कॉस्ट है 300 रुपीज़ एंड मुझे पर्सनली बुलेट लिपस्टिक यूज़ करना ज़्यादा पसंद है। लिक्विड लिपस्टिक मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो मेरे लिप्स को काफ़ी ज़्यादा ड्राई कर देते हैं इसीलिए। नेक्स्ट है मेबलिन सेंसेशन का क्रीमी मैट लिपस्टिक एंड इसका भी कॉस्ट है 300 रुपीज़। नेक्स्ट है लैक्मे के दो लिपस्टिक, एक है 9 to 5 रेंज से, एक है लैक्मे इनरिच। सो ये आपको 400 के आसपास मिल जाएंगे। नेक्स्ट लैक्मे की एक लिपस्टिक की बात करते हैं, मेरा ये फेवरेट लिपस्टिक है, ये है लैक्मे 9 to 5 मूस लिपस्टिक। सो ये मैट भी है, ऑल्सो ये आपके लिप्स को ड्राई भी नहीं करता एंड ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट लिपस्टिक है। सो इसका कॉस्ट थोड़ा हाई है, आपको 600 to 700 के आसपास ये आपको मिल जाएगा, बट दीज आर माई फेवरेट लिपस्टिक्स। सो नेक्स्ट है सेटिंग स्प्रे मेकअप को सेट करने के लिए। सो मैं जो सेटिंग स्प्रे यूज़ करती हूँ वो है ये स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर, इसका कॉस्ट है 250 रुपीज़। सो मेकअप करने के बाद मेकअप को रिमूव करना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो बात करते हैं मेकअप रिमूवर की। सो आप नेबिया या फिर गार्नियर का मेकअप रिमूवर यूज़ कर सकते हैं। सो मैं जो यूज़ करती हूँ वो है ये बायोडर्मा का H2O माइसलर वाटर, इसे मैं एज अ क्लेंजर भी यूज़ करती हूँ। बट अगर आपको सिर्फ एक मेकअप रिमूवर चाहिए तो आप गार्नियर या फिर नीबिया का यूज़ करें, बट अगर आपको एज अ क्लेंजर भी यूज़ करना है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। सो आई होप जो भी प्रोडक्ट मैंने आपसे शेयर किया एक बिगिनर मेकअप किट को कंप्लीट करने के लिए आपको पसंद आया हो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे इसी तरीके अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।